स्वामी ने आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद से देखो आज भैया कहाँ पहुंच गया। अच्छा भाभी ने अपने किससे बताया, पर ये तो कुछ भी नहीं है, अब दीदी बताएगी अपना। इसने मेरे को अपनी एप्पल वॉच दे दी फ्री में। रिकी का न्यू नाम रखा है रिकी बदमाश। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मुझे छोटू ने गुंडागर्दी करके 5 बजे उठा दिया और बोला उठ जाओ, मुझे बैग आपके रूम की सफाई करनी है। 5 बजे उठा दिया मुझे गुंडागर्दी करके चाकू दिखा के। गुड मॉर्निंग तो कल है, गुड मॉर्निंग। तो ये मेरा गद्दा है, ये मेरा सॉफ्ट गद्दे के ऊपर दीदी ने 2 एक्स्ट्रा गद्दे बिछवाए हैं जिसे हार्ड करने के लिए, और छोटू ने ऐसे स्टूल लगाया कि गद्दा दोबारा सॉफ्ट हो जाएगा, पिचक जाएगा छोटू। अब दीदी देखेगी मारेगी फिर। अरे भाभी सबके कुत्ते ऐसे हो जो पहले से क्या 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 पूछा उन्होंने, कान को लेकर गए थे, कान अंदर ही था। अच्छा भाभी ने अपने क्या किससे बताया, पर ये तो कुछ भी नहीं है, अब दीदी बताएगी अपना। दीदी बताइयो, भैया बताएगा। जब हम बुलंदशहर रहते थे 2015 में आया था बहुत बुरा नेपाल में, तो सच में बहुत तेज अर्थक्वेक था बोला, ठीक है। पापा सुबह सुबह ब्रश कर रहे थे, दीदी स्कूल जाने से तैयार होके बेड पे बैठी हुई थी और मैं वहीं था आगे शायद कुछ खा रहा था, ठीक है। तो एक दिन मुझे बोला नहीं नहीं ये कॉलेज में छुट्टी में आई हुई थी इधर तुमसे, लकी लकी इधर आ इधर आ। मैंने क्या हो गया, अरे इधर आ इधर बैठ, बेड पे बिठाया मुझे ना, बता। मैंने क्या हो गया, और ऐसे हिल रही है। अरे देख भूकंप, ठीक है। फायदे सुन लिया ब्रश करके, पाई चिल्लाए वहां से, अब अरे पागल भूकंप आ रहा है। तो ये ना कि सबको बोला कि जल्दी से बाहर भागो, वो सब बिला के अंदर और बिठा ले। गजब बेइज्जती है। मुझे नहीं पता, अरे भूकंप। ये तो बाहर के मुझे भैया, अब तो खुद पता जाता तगड़ा एक्सपीरियंस किसका था, भाभी और दीदी में से। दीदी और सुन, फिर हम भाग रहे, भाग कौन बना हुआ था, ओ डोडो डोडो भाग, फिर उसे खोला जैसे ये करण नहीं, ये दानवीर करण है। इसने मेरे को ये अपनी एप्पल वॉच दे दी फ्री में। मैं नहीं मानता। कौन से? ये। अच्छा गुची की मुझे दे दी इसने। फ्री में दी है ना, कैसे देता फिर रहा है? विकी हाँ, इसके पीछे कोई कोई सीक्रेट, विकी कोई सीक्रेट डील तो नहीं है इसके पीछे? मम्मी सुनो, मैंने इसको बोला था कि मुझे, मैं एप्पल वॉच लेने वाला हूँ क्योंकि जैसे मैं रनिंग वनिंग करता हूँ, जैसे मेरे को पता रहे मैं कितना भागा हूँ। इसने मुझे 2 साल से वॉच लेने नहीं दी, हर बार डील लिया बीच में। तो इस बार तो इसने डील से पहले दे ही दी। तो इसने, मैंने इसको बताया, मैंने इसको बताया मुझे 1 मिनट मुझे वर्कआउट के लिए चाहिए, तो इसने मुझे आइडिया दिया कि जैसे वर्कआउट के लिए चाहिए ना, मेरे पास है पुरानी वो ले ले ये, और फिर जो नई होगी वो चप्पल के माफ ना कर दिए डीलर, मेरे चप्पल के तो माफ कर दिए, पर इसे तो मेरे, सुनो ना ना, ओए ना, एक मिनट सुनो सुनो, मैं बताऊँ मैं बताऊँ फिर क्या हुआ। फिर इसे मेरे बर्थडे के देने हैं, ये मेरे बर्थडे का तो देना रहा, और सुनो मम्मी बर्थडे के दिन है ना डेली नई नई जगह घूमने जा रहा है, कभी कभी शिमला में इतने महंगे होटल में रुक रहा है, मैं उसकी स्टोरी देख रहा हूँ, इसमें मेरे पैसे नहीं दे रहा, खुद कितनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। संडे को मस्त ना धो के आ, और आना मैं तुम्हें घर पे आके देके जाऊंगा। ये इंजॉय कर रहा है इस टाइम, कभी कहीं रुकने जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, ट्रिप मारी आया, मजा जिंदगी का है। अभी सुनो, अभी अभी थोड़े टाइम में प्लानिंग कर रहा हूं दुबई जाने की। दुबई से कब आया? अभी कब? दुबई तो है, दुबई तो उसके लिए परीचौक है। परीचौक परीचौक हाँ। अच्छा बताओ, दुबई 3 घंटे की फ्लाइट है, 2.5 घंटे आपको मुंबई जाने लगता है, आधा घंटा और एक्स्ट्रा बस खाली। कोई मैं ऐसा क्या दूर पहुंच जाए, कहता मेलबर्न या सिडनी या वैसे के रूप से। हाँ ये कौन कौन सा शहर है, ये कौन कौन सा नाम दे दी तू मेलबर्न। अच्छा भैया ये सारे, अच्छा भैया ये सारे, ये सारे नाम तुम क्रिकेट से जाने हो ना, स्टेडियमों से, क्रिकेट स्टेडियमों से जाने हैं सारे शहरों के नाम। बड़े बहुत तेज हो रहे हैं। एक बार वो भैया नीचे, मम्मी अपना कुछ क्रिकेट का सामान ढूंढता फिर रहा पूरा, उसने घर वो कर दिया, नीचे अभी गया आपके सूट वोट सब बिखेर दिए। भैया
भैया कहाँ है? मैंने तेरी मम्मी से शिकायत कर दी कि तूने बेसमेंट में जाके सब कपड़े वपड़े उल्टे सीधे कर दिए। सब बस बेटा देख मैं जब नल्लू कह रहा तो नीचे चलो तुम बड़े भाई ना डांट लगाओ उसमें। चलो मेरी साइड से चलो कहाँ है? इधर है नीचे है ना। अभी रुक जा देख मैं अपने साथ एक बहुत खतरनाक हथियार ला रहा हूँ और अगर तू उनके एक भी सवाल का जवाब दे दे ये ठीक है इनके सवालों के जवाब। देखो इधर है जगह मुझे धमकी दे रहा है देखो और अच्छा भैया मैच खेलने जा रहा पूछो ये दस दस पैड क्यों निकाले हैं इसने। अरे भाई खेले तो दोस्त है जो थोड़े से वो क्या जो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं हाँ उनको बांट दूंगा। अच्छा अच्छा फिर तो बहुत अच्छा काम कर रहा तू सच्ची। हाँ तुम तो डांट लगाने के मकसद से आए। अच्छा हाँ हाँ चल विकी जल्दी गाड़ी निकाल। कौन सी गाड़ी? ऑडी। मैं ऑडी से नीचे जाता हूँ अपनी बीएड ट्रिम करा रहे दोनों आज साथ में। तो गाइस मैं देख रहा हूँ ये कर में भी डेट पे गया था बहुत महंगे उसमें होटल में इसने स्टे भी करा इतनी अच्छी डेट देखना इतनी अच्छी डेकोरेशन इसमें खूब पैसा भी लगा होगा और ये मेरे मेरा से उधार लेके तो ये जो डेट थी ये सैंडी की साइड से थी। अच्छा अच्छा नहीं जैसे तुम वहां तक गया तो ये बता वैसे अभी जैसे मैं तेरे से कह रहा हूँ मेरे कब दे रहा है तो कह रहा दूंगा दूंगा तू टाल देता है तो फिर तू ट्रिप पे कैसे घूम रहा है इतनी हैबिट बनाना पड़ता है। नेक्स्ट मंथ देख गाइस ये वही लोग हैं जो लोगों को कर्जा लेके ट्रिप्स पे घूमते हैं और देखो कैसे मस्त अभी खाना खा रहा है और वो पैसे जो है वो मैं मांग रहा हूँ वो इसी के पैसे इसी से मांग रहा हूँ बर्थडे गिफ्ट में। कहाँ है मेरा 50,000 बर्थडे गिफ्ट? अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। अब बाबू और शीरो घूमने जा रहे हैं बाहर आते बाबू की मम्मा भी आ गई अपनी किट्टी से। बाबू चलो पहले मम्मा से मिले। बाबू मम्मा आ गई मम्मा। A few moments later. सही है तुम लेट आए हो हमने केक कट कर लिया हमने गिफ्ट दे गए ना दिखा और तीनो भाभी फोन अच्छा नहीं है आप बताइए वो हीटिंग इश्यूज है नहीं अभी तो आपने बोला इसमें हीटिंग इश्यूज है है ना तो फिर मैं सॉल्व कर दूंगा। मैं नहीं चाहता मेरी भाभी के साथ कोई इशू हुआ है ब्लॉगिंग में अभी सिम चेंज इंस्टेंट निकालो भाभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बदमाश रिक्की बदमाश और तेरे भी हो रही है तो मेरे पास एक पुराना 11 प्रो मैक्स भी है। रिक्की का मैंने न्यू नाम रखा है रिक्की बदमाश जैसे गौरव बदमाश है बॉस में ठीक है उसके किसी गौरव नाम की लड़की से लड़ाई हो गई तो वो पता है बिग बॉस पे क्योंकि इशू कैसे बनाएगा खाली कहते हैं गौरव से मेरी लड़ाई होगी तो भाई ठीक है लड़ाई तो सबकी होती है उसे दिमाग लगाया फिर क्या बोला अरे सुनिए गौरव बदमाश से मेरी लड़ाई होगी इस बात को कितना बड़ा बना दिया एक मिनट से और वो भी तुरंत। और बताओ भैया तेरे पास भी है फोन तेरे में भी हो रहा है इशू मेरे पास चलिए 11 प्रो मैक्स है अपना तू भी परमात्मा है ये किसने बोला ये स्वामी हमने स्वामी बोला ये क्यों बोला ये बता मैंने नहीं मैंने बिग बॉस नहीं देखा पर मैं स्वामी ओम की वो सीन देखता हूँ भैया तो स्वामी ओम से खुद मिला है पूछो स्वामी ओम ने आशीर्वाद दिया है और उषा आशीर्वाद से देखो आज भैया कहाँ पहुँच गया मैंने है नहीं मैंने निकाला था फेसबुक पे देखा था तो वहाँ भी उसी चीज़ मैंने उसने क्या करा था स्वामी ओम ने कंटेस्टेंट्स के ऊपर एक किसी चीज़ में टॉयलेट करके फेंक दी थी किसी चीज़ उसमें लोटे में हाँ तो फिर उससे वो पूछ रहे थे उसको मतलब दूसरे कंटेस्टेंट्स इस चीज़ पे बोल रहे थे कि तूने एक लड़की के ऊपर टॉयलेट फेंक दी शर्म नहीं आई। हाँ 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 तो बोला नहीं लड़की के ऊपर तो बोला कि ले लड़की क्या परमात्मा है यार आज यहाँ पे ना अर्थक्वेक आया था और भाभी अच्छा अच्छा अगली बार से आए तो मेरे आपको ट्रिक बताइए कैसे पता लगेगा गुच्छे के कान हिलने लगेंगे देखिए डूची छोटू अगली बार आओ सुधीर जैसे अगली बार यहाँ भूकंप भूकंप आया तो पता लगाना हो तो क्या क्या देखना है गुच्छे के कान देखने कान हिलने लगेंगे अपने आप देते लोगो इसने देखो देखो ये ना ये है उद्यमी इसे कपड़ा देख गया इसने ले लिया ऐसे ऐसे गाने लेंगे डूचे के ऐसे ऐसे काटता है साले चाचू को काट रहा है साले चाचू को देखो देखो मैं से चाटा दिखा रहा हूँ इसे गुस्सा आ रहा है इसलिए